नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी सलवार कटिंग। सलवार कटिंग में सब ये है हमारा फैब्रिक है। सलवार कटिंग में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले हम कपड़ा देख लें, कपड़ा कितना है। तो ये हमारा कपड़ा है, सबसे पहले हम कपड़े को नापेंगे। कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर रखा है। कपड़ा है हमारा ढाई मीटर से कम ही है, 40 इंच का 1 मीटर होता है, बाकी 39 इंच का नापा जाता है। तो यहाँ से 2 मीटर, 2.5 मीटर के आसपास हमारा कपड़ा है। सलवार की लेंथ है 36 इंच और हमारी तैयार बेल्ट है 26 इंच। कपड़े को ऐसे सिंगल कर लेते हैं और कान की तरफ से डबल फोल्ड करते हैं। जिस हिसाब से हम सलवार काटेंगे उस से हम सलवार की मतलब हैवी सलवार 2.25 मीटर कपड़े में भी आसानी से बना सकते हैं। ऊपर छोड़ देते हैं हम बेल्ट का 4 इंच कपड़ा, हम अपने हिसाब से छोड़ते हैं 5 इंच 4.5 इंच जितने हमें बेल्ट तैयार करने हैं। जैसे अब हम 4.5 इंच की बेल्ट छोड़ के ऊपर से इस हिसाब से कटिंग करेंगे और 36 इंच हमारी सलवार तैयार है, तो हम 36.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल देख ध्यान से देखने की बात है, 4.5 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा नीचे ले लिया है। अब इस कपड़े को हम अलग निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा 32 इंच कपड़ा है, 12 इंच के हम गोडे ले लेते हैं, गोडे फट्टे जो भी हम बोलते हैं। बारह इंच के हमें तैयार रखने हैं, 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हम 13 इंच के ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसको अलग निकाल लेते हैं। ये निकाल लिए हमने फट्टे सलवार के और अब इस कपड़े से निकालेंगे हम बेल्ट। बेल्ट तैयार रखनी है हमें 26 इंच, तो हम यहाँ 27 इंच लेंगे। साढ़े 4 इंच की हमारी तैयार बेल्ट होगी, 2.5 इंच का हमारा 2 इंच का हमारा नेफा हो गया, 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये इस हिसाब से देखिए हमारी बेल्ट 7 इंच की तैयार है। हमें बाकी इतना नापने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बिना नापे ही 7 इंच की बेल्ट, अगर 4.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ के लेते हैं तो हमें 7 इंच की तैयार बेल्ट लेनी है। ये हमने फट्टे निकाल लिए और बेल्ट निकाल ली। अब निकालेंगे हम कली। ये हमारा कपड़ा, इसे हम डबल फोल्ड कर लेते हैं।
इस तरह से कपड़े को रखे। अब जैसे हमने गोड़ा ऊपर नापा था 4.5 इंच छोड़ के, उसी तरह हम इसे नाप लेते हैं। जैसे हमारा था वो 32 इंच तैयार। ये हमारा 31.5 इंच 32 इंच तैयार है। अगर हमारा कपड़ा कम रह जाता है, ऐसे ही हम सलवार निकाल रहे हैं इससे हमारी हैवी सलवार निकलेगी, अगर हमारा कपड़ा कम रह जाता है 1 इंच या 2 इंच, तो हमें ऊपर कलियों में जोड़ ऊपर की तरफ नहीं लगाना है, हम नीचे की तरफ जोड़ लगाएंगे। नीचे की तरफ इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो नीचे हमारा 1.5 इंच का जो जोड़ आएगा वो हमारा पोंचों में निकल जाएगा। जैसे हमने गोडे लिए थे 13 इंच, हमें पोंचे रखने हैं 7 इंच के, मतलब 14 इंच। हाफ हाफ इंच हमारा 6, 12 इंच वहाँ हो गया। यहाँ हम 2 इंच की कलियाँ ले लेते हैं, ये 2 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे और 2 इंच पर ही हम यहाँ इस तरफ निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे। ये देखिए ध्यान से हम इस कपड़े को ऐसे रखेंगे। चाहे तो हम यहां निशान लगा के अलग अलग इस कपड़े को काट लेते हैं। ये हम बिना इंची टेप के यहां ऐसे बिल्कुल आसानी से निशान लगा सकते हैं। और अब ये जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से चाहे तो हम इस कपड़े को ऐसे रख के काट सकते हैं, या बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने टेढ़ा किया है इसको ऐसे ही काट लेंगे। अब इन चारों को सीधा रख लेंगे ऐसे, कानी के ऊपर कानी। ये देखिए बिल्कुल हमारी चारों एक जैसी हैं, ऊपर से भी और नीचे रेब की तरफ से भी। इसे आप ऐसे बिना इंची टेप का सारा लिए बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ से इस तरफ से आसन। ये ऐसे कानी की तरफ हो गया हमारा कलियों का मुंह, और यहाँ पीछे की तरफ से हम आसन निकालेंगे। आसन रखना होता है हमें 10 इंच, चाहे हम 9 इंच भी रख सकते हैं, बाकी मुझे ये आसन 10 इंच रखना है, बाकी 10 इंच का आसन कंफर्टेबल होता है। ये हमने आसन का निशान लगा लिया है, चारों कलियों का आसन हम एक साथ निकालेंगे। ये जो हमारी जुड़ी हुई दो कलियां हैं इनको अलग अलग कर लेते हैं। इस कपड़े से हम निकालेंगे नीचे पोंचों की पट्टी।
ये हो गए हमारे फट्टे, ये हो गई हमारी कलियां, ये हो गई हमारी बेल्ट, और ये होगी हमारी पोचों की पट्टी। ये देखिए कम कपड़े में भी हमारी कितनी हैवी सलवार तैयार है। ये थी हमारी सलवार की कटिंग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।